क्या हो अगर शाहरुख खान लोकेश कनगराज यूनिवर्स का हिस्सा बन जाए, क्योंकि शाहरुख खान को लोकेश कनगराज यूनिवर्स में देखने के लिए हर कोई एक्साइटेड है, क्योंकि लोकेश कनगराज एक बहुत अच्छे डायरेक्टर है। उन्होंने आज तक जो भी मूवीज बनाई है वो सुपर हिट साबित हुई है, और एक्शन की बात हो और लोकेश कनगराज का नाम ना हो तो भाई ऐसा कभी हो भी नहीं सकता। लेकिन आप रजनीकांत की मूवी जिसका नाम है थलाईवार 171, उसमें शाहरुख खान को ऑफर किया गया है कैमियो, और ये कैमियो काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और शाहरुख खान को अप्रोच किया है लोकेश कनगराज ने, उसके बाद ये अपडेट्स आ रही है कि लोकेश कनगराज शाहरुख खान के लिए एक और खतरनाक कहानी लिख रहे हैं जिसका नाम पैंथर है। लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई भी अपडेट्स नहीं आ रही है, क्योंकि शाहरुख खान के साथ अभी हाल फिलहाल एक और कहानी जो है वो कनेक्ट होने वाली जिसका नाम धूम 4 है। लेकिन ये भी अपडेट्स आ रही है कि भाई जो है वो थलाईवार 171 के अंदर शाहरुख खान कैमियो करने वाले हैं रजनीकांत की अपकमिंग मूवी के अंदर। उस बार कहा जा रहा है कि शाहरुख खान को काफी ज्यादा डेंजरस अवतार के अंदर दिखाया जाने वाला है। और लोकेश कनगराज तो भाई काफी ज्यादा यूनिक मूवीज बनाते हैं, उनकी कहानी काफी बढ़िया होती है, और अगर शाहरुख खान को वो प्रेजेंट कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि वो फ्यूचर प्लानिंग भी शाहरुख खान के साथ बना सकते हैं। शाहरुख खान ने भी भाई लोकेश कनगराज के साथ हाथ मिला लिया है, और कहा जा रहा है कि लोकेश कनगराज शाहरुख खान के लिए काफी ज्यादा अच्छी और बड़ी कहानी लिख रहे हैं जिसके ऊपर काम शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि भाई इस बार जो है वो रावण की तरह, आपने देखा होगा कि उसके अंदर रजनीकांत आए थे और भाई जो है वो चिट्टी रोबोट का रोल निभाया था, लेकिन अब जो है वो शाहरुख खान भी रजनीकांत के लिए अपना जो है वो एक बार फिर से कंट्रीब्यूशन देने वाले हैं, और वहां पर जो है वो शाहरुख खान अपना अवतार लेकर इस मूवी का हिस्सा बनने वाले हैं। तो भाई आप जो है वो इस मूवी का कितना इंतजार कर रहे हो, और रजनीकांत और शाहरुख खान एक साथ आ जाएंगे तो कितने करोड़ की कलेक्शन होगी, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। और क्या लगता है भाई, क्या ये मूवी लोकेश कनगराज के लाइफ टाइम की कलेक्शन से भी क्या ऊपर जा सकती है, क्या एक बार फिर से एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड इस मूवी से लिखा जा सकता है, अपना कमेंट लाजमी करना। अगर आप शाहरुख खान और रजनीकांत के डायरेक्ट फैन हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम और आप हमेशा कनेक्ट रहें और आपके लिए ऐसे अपडेट्स लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।